देखिए अब आपके सामने आज मैं ज्यामिति का निर्मीय नंबर 9 बता रहा हूँ। ये निर्मीय नंबर 9 में देखिए कोण है एबीसी, इस कोण एबीसी का समद्विभाजन कीजिए। निर्मीय नंबर 9 में दिया गया है कि कोण दिया गया है एबीसी, इस कोण को समद्विभाजन, सम माने समान, द्वय माने दो, भाजन माने भाग, यानी कि एक कोण के दो भाग करो। तो इस तरह से देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले एक हमने किसी भी नाप का कोण बनाया, इसके लिए एक रेखा ली ए बी रेखा, सॉरी बी सी रेखा मान लीजिए, ये हो गई बी सी रेखा। बी सी रेखा के पटरी रख करके किसी भी अंश की हम एक रेखा खींचते हैं। इस तरह से हमारा बन गया कोण ए बी सी। एक किसी भी अंश का है, इसमें अंश की कोई जरूरत नहीं है, कुल मिला के कोण है एबीसी। अब इसका समद्विभाजन करना, देखिए कैसे करेंगे। हमको एक छोटी सी दूरी लेंगे प्रकार में और बी को केंद्र मान करके इन दोनों भुजाओं को काटते हुए एक चाप लगाएंगे छोटा सा। ये चाप हमारा बीसी रेखा को काटेगा नंबर एक पर और बी ए रेखा को काटेगा नंबर दो पर। इसके बाद में वो दूरी चाहो तो थोड़ी छोटी कर लो और नहीं इतनी ही बनी रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम चाहें थोड़ी छोटी दूरी कर लेते हैं, छोटी दूरी करने के बाद में ए को केंद्र मान, एक नंबर एक को केंद्र मान करके यहाँ पर चाप लगाएंगे और नंबर दो से इस चाप को काट देंगे और इस कट को बी से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे इस तरह से। ये जो हमारी रेखा हुई बी डी रेखा, ये रेखा इस दिए हुए ए बी सी कोण को दो भागों में विभाजित करता है। चलिए आगे देखिए निर्मीय नंबर 10। निर्मीय नंबर 10 में एक ए बी रेखा है, ए बी रेखा के समानांतर एक अन्य रेखा की रचना कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, समानांतर, सम माने समान, अंतर माने दूरी, यानी कि एक समान दूरी पर चली गई रेखा को हम समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि ए रेखा एक हमारी हो गई ए बी रेखा। अब ए बी रेखा के समानांतर हम एक अन्य रेखा की रचना करें तो देखिए कैसे करेंगे। माना कि हमने एक यहाँ पर बिंदु लिया ए बी रेखा के, ए हुआ नंबर एक और एक यहाँ पर बिंदु लिया, ए हुआ नंबर दो। इसके बाद में एक कोई छोटी सी दूरी लेकर के एक पर प्रकार रख करके एक छोटा सा अर्धवृत्त बनाएंगे, दो पर प्रकार रख करके एक छोटा सा अर्धवृत्त बनाएंगे। ये दोनों बिंदुओं पर अर्धवृत्त बनाए किसी भी दूरी के। इसके बाद में उस दूरी को मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद जहाँ पर ये चाप मिलता है यहाँ पर प्रकार रख करके यहाँ पर चाप लगाया, यहाँ पर प्रकार रख करके इसे काट दिया, यहाँ पर प्रकार रख करके यहाँ चाप लगाया, यहाँ पर प्रकार रख करके इसे काट दिया और नंबर दो को और इस कट को मिलाते हुए हमने रेखा खींची। इसके बाद में नंबर एक को और इस कट को मिलाते हुए हमने रेखा खींची। अब चूंकि यहाँ पर जो समानांतर रेखा की रचना करनी है उसकी माप नहीं दी गई कि हमें कितनी ऊंचाई पे समानांतर रेखा की रचना करनी है, तो हम कोई भी दूरी ले लेंगे प्रकार में। वो कोई भी दूरी लेने के बाद में नंबर एक को केंद्र मान करके इस लंब पर चाप लगाएंगे, नंबर दो को केंद्र मान करके इस लंबे पर चाप लगाएंगे। इन दोनों चापों को स्पर्श करते हुए जब हम रेखा खींचेंगे तो यह रेखा जो है हमारी इस ए बी रेखा की समानांतर रेखा कहलाएगी सी डी। सी डी रेखा हमारी ए बी रेखा की समानांतर रेखा। निर्मीय नंबर 11 में ए बी रेखा के बाहर के बिंदु से समानांतर रेखा की रचना करनी है। जैसे कि अभी निर्मीय नंबर 10 में आपने देखा कि हमने ए बी रेखा के समानांतर रेखा की रचना की थी जिसमें किसी प्रकार की कोई माप नहीं दी गई थी, लेकिन इसमें दिया गया है कि ए बी रेखा के बाहर के बिंदु है। देख लीजिए कैसे, जैसे ए हो गई हमारी ए बी रेखा। अब ए बी रेखा के बाहर ये हो गया हमारा के बिंदु। अब जो हमें समानांतर रेखा की रचना करनी है वो के बिंदु से करनी है, मतलब इसका एक स्थान जो है निश्चित हो गया कि हमें समानांतर रेखा की रचना के बिंदु से ही करनी है। अब देखिए वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक दूरी ली, माना कि हमने यहां पर एक बिंदु रख लिया ओ बिंदु, ओ को केंद्र मान करके के की दूरी से, मतलब ओ पर मैंने प्रकार रखा, के पर पेंसिल रखी और उसे इस तरह से नीचे की ओर घुमाया ए बी की रेखा तक, यानी कि ओ को केंद्र मान करके के की दूरी से हमने इस तरह का चाप लगाया।
ये ए बी रेखा पर आकर के मिला सी बिंदु पर। इसके बाद में जिस दूरी से चाप लगाया उसी दूरी से के को केंद्र मान करके यानी के पर प्रकार रखा और ओ पे पेंसिल और हमने इस तरह से ऊपर की ओर चाप लगाया यानी कि इस तरह से। इसके बाद में इसकी पी की और के की दूरी ले लीजिए प्रकार में। पी की और के की दूरी लेने के बाद में ओ को केंद्र मान करके इस लगाए हुए चाप पर कट लगा दीजिए इस तरह से और यहां पर डाल दीजिए एल बिंदु। के को एल से मिला दीजिए तो इस तरह से ये हमारी रेखा के एल रेखा ए बी रेखा के समानांतर रेखा बन जाती है। चलिए देखिए निर्मीय नंबर 12। निर्मीय नंबर 12 में दो असमानांतर रेखाओं को बिना बढ़ाए उनके बीच के कोण की माप ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या करना है कि कोई दो असमानांतर रेखाएं, असमानांतर रेखा जैसा कि तुम्हें मालूम ही है जो रेखा आगे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम असमानांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये हमने रेखा खींची, ये हो गई ए बी रेखा। इसके बाद में एक दूसरी असमानांतर रेखा खींची जो हो गई सी डी रेखा। अब तुम यहाँ पर देख रहे हो अगर जे हम इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएं तो ये आगे जा करके दोनों भुजाएं एक बिंदु पर मिल जाएंगी, तो ऐसी बनी रेखाओं को हम असमानांतर रेखा कहते हैं। अब चूंकि अगर हम इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाएं तो जहां पर ये मिलेंगी वहां पर हम चांद रख करके देख सकते हैं कितने अंश की हैं, तो यहां पर हम ऐसे पता नहीं चला सकते कि कितने अंश पे झुकी हुई हैं। और इसीलिए इस निर्मय में कहा गया है कि बगैर बढ़ाए हुए यानी कि इन दोनों भुजाओं को हमें बढ़ाना नहीं है और हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों भुजाएं आगे जाकर के कितनी अंश का कोण बनाएंगी। देखिए कैसे बनाना है, हम यहाँ ए बी बिंदु पर एक कोई बिंदु रखते हैं जिसका नाम हो गया ओ बिंदु। ओ बिंदु पर एक छोटा सा अर्धवृत्त बनाया, यहाँ पर प्रकार रख करके जिस दूरी से तुमने अर्धवृत्त लाया उसकी दूरी को बढ़ा लीजिए और यहाँ पर प्रकार रख करके यहाँ चाप लगाया, इस बिंदु से इसे काट दिया और ओ को और इस कट को मिलाते हुए रेखा खींची। ये हमारी रेखा देख लीजिए थोड़ा सीधी नहीं हो रही रेखा, ये इस तरह से कट लगा और हमने रेखा खींची तो इस तरह से लंब हो गया हमारा। अभी खींचा हुआ लंब सी डी रेखा को काट रहा है माना कि पी बिंदु पर। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ए बी रेखा के समानांतर रेखा खींचेंगे किस दूरी से, पी की दूरी से। तो हम ओ की और पी की दूरी लेकर के बी बिंदु से यहाँ पे चाप लगाएंगे और ए बिंदु से यहाँ पे चाप लगाएंगे, इन चापों को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। जब हम ये रेखा खींचेगी समानांतर रेखा तो तुम देख रहे होगे यहाँ पर पी बिंदु पे एक कोण बन जाता है, तो जितने अंश का ये हमारा कोण हुआ ये दोनों असमानांतर रेखाएं हम आगे जब बढ़ाएंगे तो इतने ही अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा, ये आप लोग अपनी फिर कॉपी में बना लेना।